और स्पेशली इसलिए मैं एक मेंशन करना चाहूँगी संजय जी का, जो आप सब लोग जानते होंगे कि वो एक्स नेवी ऑफिसर हैं, राइट। तो ये हम लोगों के लिए स्पेशली आज उनको बहुत शुभकामनाएं सबकी तरफ से, हम लोगों को उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दी है और आज का भी जो पूरा सेलिब्रेशन किया है, तो हम लोगों को ये बलिदान का महत्व समझना चाहिए, आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं आगे? हम लोग ये कर सकते हैं कि आगे सकारात्मक तरीके से किस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किस तरह से हम अपना आगे टीम स्पिरिट हो या फिर आप जिस भी तरीके से अपने देश की तरफ कंट्रीब्यूट करें, वो हमें करना चाहिए। और स्पेशली मैं अपने स्टाफ के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर हमें इतने बड़े ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली है, तो वन ऑफ द मेन रीजन क्या है उसके, कि एज अ टीम उन लोगों ने काम किया, राइट। चाहे फिर गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस आपका था 1857, एवरीथिंग वाज टीम वर्क। सो एज अ स्टाफ आप लोगों को टीम वर्क करना है, यू हैव टू लर्न, वो आपके पूर्वज थे, आप वहीं से आए हैं। सो आप लोगों को सीखना है कि उन्होंने कैसे ये किया, वही चीज़ आपको यहाँ पर डिलीवर करनी है। एज अ टीम आपको ये पॉसिबल बनाना है कि यहाँ हमारे जितने भी कैंडिडेट आते हैं, राइट, उनको बेस्ट सर्विस मिले, बेस्ट ट्रेनिंग मिले। और कैंडिडेट्स, आप कहीं भी जाते हैं तो यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस सेंटर, राइट। तो आपको वहाँ पे अपना आगे बढ़ना है, वहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से, और इस आज़ादी का महत्व समझिए, इसमें आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस चीज़ की ध्यान रखिए। मैं कहना चाहूंगी कि है नानक बुद्ध की धरती ये, है चिश्ती का पैगाम यहाँ, है बंसी कृष्ण कन्हैया की, है कड़कड़ में श्रीराम यहाँ, है गांधी के अरमान यहाँ, जिसे सत्य अहिंसा कहते हैं, ये गुलशिता है प्यार का, यहाँ गंगा यमुना बहती है। एंड इसी शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सेंट्रल मैनेजर अमित सर को कि वो यहाँ आए और दो शब्द बोले। थैंक यू अमृता, एंड सबको बहुत बहुत बधाई कि आज आप आज़ाद मुल्क में हैं, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि हम आज आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। मुझे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की वाक्यात याद हैं, और उनमें सबसे करीबी कुछ रहते हैं जिनमें भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जतिंदा हैं, बहुत सारे लोग हैं। और इसमें कुछ वाक्यात जब मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ रहा था, तो लाहौर की जब सेंट्रल जेल में वो थे, 5x10 उनका कद था और कोठरी का कद इससे छोटा था, जो लंबाई चौड़ाई जिस कोठरी की थी, कोठरी नंबर 14 जिसमें वो बंद थे। और ऐसे हालातों में भी उनके चेहरे पे मुस्कान थी, जेल में रहते हुए भी 64 दिन का उन्होंने अनशन किया था कि जेल में जो खाने की क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, और उस समय जतिंदा शहीद हो गए थे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप सोचिए, एक 23 साल का लड़का, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जज्बात में था, भगत सिंह ने पढ़ाई भी इतनी की थी, लिखाई भी इतनी की थी, कि 23 साल की उम्र में हम लोग सोच नहीं पाते। उन्होंने अपने एक मित्र के लिए खत लिखा था कि अगली बार मिलने आओ तो मेरे लिए कुछ किताबें लेके आना, जिसमें लेनिन की, जो रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, उनकी एक किताब थी, कुछ उपन्यास लिखे थे उन्होंने, कि ये वाले लेके आना, खत में लिखे थे कि आप ये लेके आना। और जब वो लेके आए किताबें, तो उन्होंने दोस्त से बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, तुरंत आते ही वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और उनकी जो और भी जो कम्युनिज्म से रिलेटेड किताबें थी उनको खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
वो जितनी भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें वो किताब पढ़ते पढ़ते कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी फांसी तय हो चुकी थी, और उनको पूछा कि क्या देना चाहेंगे संदेश, तो उन्होंने एक ही बात कही कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब का मतलब है क्रांति, रिवॉल्यूशन, क्रांति जिंदा रहे। और उनकी माता थी विद्यावती देवी, पिताजी किशन सिंह। जब विद्यावती मिलने आई तो उन्होंने कहा कि मेरी जब फांसी होगी तो आप उसमें मेरे सामने मत आना, क्योंकि आपके आंसू देख के और मैं आंसू अगर नहीं रोक पाया तो लोग कहेंगे कि मैं कमजोर था। तो मेरी माँ और आपका बेटा कहीं से भी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कुर्बानियां लोगों ने दी। आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे, आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, इन लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि हम सोच नहीं सकते। तो हम लोग आज जो ये आजादी का पर्व मना रहे हैं, इसके मायने सिर्फ यहाँ तक सीमित न कर दिए जाएं कि आज हम आए, हमने तिरंगा लहरा दिया, एक सेलिब्रेशन हो गया। वहाँ पे उन लोगों ने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने हिस्से का काम किया। बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन हम नहीं जानते, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, इसलिए नहीं कि उनका नाम हो गया तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक। तो ऐसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है कि आज जो जिम्मेदारी हमको मिली है, मैंने लास्ट अभी जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया था 2-3 दिन पहले, उसमें भी यही कहा था कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएं। यहाँ कोई नहीं है जो ऐसे अच्छे समाज में ना रहना चाहता, और अच्छे समाज में अगर आप रहना चाहते हैं, अगर आपको कहा जाए आप ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहाँ पर लोग खराब हों, या आप ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहाँ लोग अच्छे हों, तो जाहिर सी बात है सबका जवाब होगा वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ लोग अच्छे हों। तो लोग अच्छे नहीं होते, लोग अच्छे बनाने पड़ते हैं। आप अपने जितने भी साथ वाले हैं, आपका घर है, परिवार है, उन सबको साथ लेके चलिए, उन सबको खुशी देने की कोशिश करिए, उन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जब मैं आया था 5-6 लोग थे, आज धीरे धीरे कारवां बनता गया, आज इतनी बड़ी टीम है। तो हमेशा ये सोच के काम मत करिए कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आप ये सोच के काम करिए कि आपके काम से बहुत लोगों का रोजगार होगा, बहुत लोगों का भला होगा। अगर आप जॉब की तरह करेंगे तो आप जो ये पर्व आज हम मना रहे हैं, जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी तौहीन हो जाएगी। मतलब उस वक्त जिस वक्त आपने कहा कि मैं ये काम अब नहीं कर सकता हूँ, या मैं ये काम करना नहीं चाह रहा हूँ, या मैं काम से बचना चाह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, इन आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने जेलें काटी, जिन लोगों ने मौत सही, भगत सिंह का मैं एक और वाक्य बता दूँ आपको कि फांसी लगने के बाद उनकी लाश टुकड़ों में काट के बोरियों भर के ले जाई गई, रावी के तट पे उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन वो बोरी में लेके गए, फिर कहीं भी जला रहे थे, पब्लिक को पता चल गया, तो अध जली लाशें फिर छोड़ के चले गए। तो आपके जहन में वो आग रहनी चाहिए कि अगर लोगों ने इतना सहा है और अब देश हमारे हवाले है, तो हमें इसको और बेहतर